फ्रेंड्स, फूड लाइफ प्रोसेस में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके साथ ये आलू और लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपके घर में बच्चे से लेकर बड़े तक सब बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आलू लौकी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। उसके बाद 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच मैंने राय लिया है। 1 तेज़पत्ता डाल के इसमें आपने कटे हुए प्याज डाल दूंगी मैं। प्याज मैंने पहले से ही काट के रखे था और ये मैंने एक ही प्याज का इस्तेमाल किया है इसमें, और ज़्यादा नहीं। प्याज को हम बारीक काटेंगे और उसके बाद हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्ची 2 टुकड़ों में काट के और कुछ लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ चॉप करके काट के इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से अगर आप लौकी बनाएंगे तो यकीन करिए आपके घर में लौकी सब बहुत पसंद करेंगे। अब हम इसमें अपने कटे हुए लौकी जो मैंने पहले से ही काट के वॉश करके रखा हुआ था वो डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लौकी को हम मैंने एक छोटा लौकी लिया है। लौकी को हमें ना ज़्यादा मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो इससे और अच्छा रहता है। लौकी जल्दी पक जाती है वैसे भी। अब हम इसमें अपने कटे हुए आलू डालेंगे। आलू मैंने 2 लिए हैं जो मैंने रफली चॉप कर लिया है, वॉश करके छिलके चॉप करके रखा हुआ था वो मैं डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम अपने सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद, लाल मिर्च और हल्दी मिक्स करने के बाद, हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इस धनिया पाउडर ना भी डालें, स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है तो लौकी की। लेकिन अगर आप इस तरीके से लौकी आलू बनाएंगे ना तो आपके घर में सब बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरीके से लौकी आलू अगर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें अपने कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ, जो कि मैंने 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक्कन लगा कर भुने मतलब पकने के लिए हम छोड़ देंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटा कर इसको चेक करते रहेंगे। लौकी ऐसे ही पक जाती है वैसे तो। प्रेशर कुकर का हम ज़्यादा मतलब प्रॉपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, बस ऐसे। अगर आप प्लेट से भी ढकना चाहते हैं तो प्लेट से ढक दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें सीटी नहीं लगाना है, बस इसे भूनना है। तो हमारे लौकी आलू भुना चुका है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसमें सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो 1/2 गिलास के करीब ही पानी डालेंगे। उससे ज़्यादा पानी नहीं डाल रही मैं, क्योंकि लौकी ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ता है तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहते हैं। अब मैं इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन सेट कर दूंगी और इसे 1 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 सीटी आ चुकी थी, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया। मैं आपको ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ कि हमारी लौकी आलू कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं, आपके मुंह में भी आ रहा होगा ना पानी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। अक्सर हम लौकी को ये सोचते हैं कि ये कितनी मतलब टेस्टलेस सब्जी है, जबकि अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपके घर में बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई सब्जी को पसंद करेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।